और तो दोस्तों फाइनली देखिए हम लोग पहुंच चुके हैं। तो हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा जोहार प्रणाम और नमस्कार। तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरा YouTube चैनल और Facebook पे संजू देहाती ब्लॉग्स पे। जी हाँ दोस्तों, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। और दोस्तों आज आप लोगों को एक और नया जगह लेके जा रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, और आज हम लोग साथ मिल के एक और नया जगह को एक्सप्लोर करेंगे। जैसा कि दोस्तों आप लोग थंबनेल देख के जान गए होंगे कि आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं, तो बाकी चलिए आप लोग वीडियो में बने रहिए, आप लोगों को सारा जानकारी आगे चलते हुए देते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग यहाँ बायां मुड़ेंगे जो कि ये गोला वाला रोड है, और अगर सीधे हम लोग जाएंगे तो ये हम लोग का मुंडरूफ फॉल की तरफ ले जाएगा। बाकी हम लोग ये वाला रोड से जाएंगे जो कि हम लोग यहाँ पे घाटी आगे मिलने वाला है। तो घाटी का सुंदर वादियों के बीच होते हुए हम लोग जो है कि फाइनली फॉल तक जाएंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। और तो दोस्तों फाइनली हम लोग घाटी से नीचे उतर चुके हैं, और अभी जस्ट इस पुल के आगे जाके हम लोग को जो कचिया वाला रोड बायां तरफ मिलेगा उसी से हम लोग को मुड़ना है, और उसी से होकर हम लोग अंदर चलेंगे। तो चलिए आप लोग को वहाँ ले जाके आप लोग को दिखाते हैं। तो दोस्तों फाइनली देखिए अभी हम लोग ये रांची वाला रोड यानी जो सिकिदरी घाटी है, देख सकते आप लोग पीछे घाटी भी दिख रहा होगा, तो इसी से होकर हम लोग इधर आए हैं। और आगे आने के बाद में हम लोग को एक पुलिया मिला था, और उस पुलिया के बाद में आगे हम लोग बढ़े, तो बढ़ने के बाद में इस जगह तक हम लोग पहुँचे। और इधर आप लोग देख सकते हैं ये गोला वाला रोड है, तो ये जो रोड है आपका ये गोला तरफ जाएगा। तो आप लोग को इस रोड को यहीं से छोड़ना है, और इसके बाद जो है कि आप लोग को यहीं से एक कचिया वाला रोड मिलेगा जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों ये कचिया वाला रोड है, तो इसी रोड से होके आप लोग को लगभग हाफ किलोमीटर अंदर जाना पड़ेगा, और थोड़ा कचिया वाला रोड है, तो आप लोग जो भी है आइएगा तो अपना देख लीजिएगा, ताकि आगे चल के आप लोग को जो है सुंदर दृश्य आप लोग को देखने को मिलेगा। तो आइए चलिए आप लोग बने रहिए, आप लोग को आगे दिखाते हैं। और तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं, देख सकते हैं चारों तरफ का हरियाली, और जो आज हम लोग का फाइनल जो लोकेशन था उस जगह तक हम लोग पहुंच गए हैं। तो यहां पे मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखा देना चाहूँगा, जैसे कि यहां हम लोग पहुंच गए हैं, तो इसके बाद भी आगे रोड है, तो आप लोग कहाँ पर रुकना है, जो पुल आप लोग को दिख रहा होगा यानी छोटा सा जो पुलिया है, इस जगह तक पहुँच जाइएगा, तो यहीं पर आप लोग को रुकना है दोस्तों। और इसके बाद जो है आगे उधर नहीं जाना है, और इसके बाद जो है कि इधर देख सकते हैं बायां साइड में आप लोग को नदी भी हल्का हल्का दिखाई देगा, और साथ ही साथ यहां से आप लोग को जो एक छोटा सा रोड पतला आपको दिख रहा होगा, तो इस रोड से होकर आप लोग को पूरा नीचे तक जाना है। तो हम लोग इस ओर से चल रहे हैं नीचे, आप लोग आइए, बाकी आगे वीडियो में सारा कुछ आप लोग को दिखाने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। और तो दोस्तों आप लोग को शायद आवाज़ आ रहा होगा हल्का हल्का, कि इतना मधुर आवाज़ यहीं से हम लोग को सुनाई दे रहा है। तो आप लोग यहाँ पहुँचने के बाद आप लोग को तो दिक्कत ही नहीं है, बाकी हम लोग का मन काफ़ी उत्तेजित हो रहा है कि कैसा है क्या है दृश्य उसको देखने के लिए। तो आप लोग भी चलिए और मिल के देखते हैं जो दृश्य होगा, बाकी जो आवाज़ है काफ़ी मधुर यहाँ तक हम लोग को सुनाई दे रहा है। तो दोस्तों आइए चलते हैं फटाफट से हम लोग नीचे।
और तो दोस्तों इस तरह से हम लोग फाइनली जो है कि फॉल के नज़दीक पहुंच चुके हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। तो चलिए जल्दी से आप लोगों को फॉल के सामने लेके चलते हैं, उसके बाद सारा कुछ आप लोगों को बताते हैं और दोस्तों साथ ही साथ आप लोगों को इस खूबसूरत नज़ारा का दर्शन भी करवाते हैं। बाकी दोस्तों इस फॉल का सुंदरता का अगर हम लोग अपने जवान से अगर कुछ बात बताएं या कुछ कहें तो शायद वो कम ही होगा। इसका जो खूबसूरती है वो काफ़ी तारीफें है कि इसका हम लोग अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकते हैं। तो चल के आप लोग खुद से देखिए, उसके बाद आप लोग बताइए कमेंट में कि क्या सच में इस फॉल का सुंदरता लाजवाब है या नहीं है। चलिए जल्दी से हम लोग आगे चलते हैं। तो दोस्तों फाइनली आप लोगों ने अभी तक देखा कि हम लोगों ने किस प्रकार से मशक्कत करके यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं, और वो पल हम लोग का आ चुका है दोस्तों कि जहाँ हम लोग का आज लोकेशन था, यानी जिस लोकेशन पर आज हम लोग आए थे उस जगह हम लोग पहुँच चुके हैं। तो बाकी आप लोग चलिए जल्दी से आप लोग को ले चलते हैं और दिखाते हैं, और इसका खूबसूरती के बारे में आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या सच में ये खूबसूरत है या नहीं है। चलिए आप लोग को जल्दी से ले चलते हैं आगे। और तो दोस्तों फाइनली देखिए हम लोग पहुंच चुके हैं सिकंदरी का न्यू वाटरफॉल। आप लोग मेरा पीछे देख रहे होंगे तो यही है सिकंदरी का न्यू वाटरफॉल। आप लोग देख सकते हैं काफी भव्य और काफी सुंदर, देखने के बाद जो मन कर रहा है कि इसको बस निहारते रहे। और यहाँ पे आने के बाद ऐसा महसूस हो रहा है, मानिए कि जो ये जो पानी का धारा है ये हम सबसे कुछ कह रही है कि देखो यही है प्रकृति का सुंदरता। और इस तरह का सुंदरता चीज देखने के लिए लोगों को बहुत कम ही देखने को मिलता है। बाकी मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से इस चीज़ को दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और इतना शेयर करिए कि ये जो ओरमांझी रांची या फिर जो झारखंड के हर एक लोगों तक वीडियो पहुँच सके और सबको ये फॉल के बारे में जानकारी हो और इस फॉल में एक बार आएँ और इस फॉल का आनंद लुत्फ उठाएँ। देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी खतरनाक, वाह जो पानी है ना, पानी तो काफ़ी खतरनाक एकदम पूरा वाइट। और आने के बाद मन यहाँ खुशी से गदगद हो गया है, ऐसा लग रहा है मानिए जन्नत का सैर करने के लिए हम लोग आ गए हैं। जी हाँ दोस्तों, स्वर्ग का नाम सुने होंगे तो समझ लीजिए ये स्वर्ग का एक रूप है। हम लोग असली स्वर्ग का यही है जिंदगी का, ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ नदियों के बीच स्थित इस तरह का मनोरम दृश्य देखने के लिए आज हम लोग इस जगह पहुंचे हैं। वाकई में लाजवाब, काफी सुंदर है। तो आप लोग का वेलकम है, इस जगह आइए और आकर इस फॉल का आनंद लीजिए। काफी खतरनाक और काफी मस्त है, देख सकते हैं। बाकी आप लोग को दिखाते हैं थोड़ा क्लोज व्यू, आप लोग वीडियो में देखिए यही है सिकंदरी का न्यू वाटरफॉल, और इसी को लेके आज हम लोग आप लोग को आए थे। बाकी आप लोगों को ये जगह कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, देखिए सामने से आप लोग को दिखाते हैं। तो दोस्तों आप लोग एंजॉय कीजिए फॉल का, बाकी हम लोग भी थोड़ा एंजॉय करते हैं। दोस्तों आइए आप लोग भी, और आइए आप लोग भी आके मजा लीजिए, जितना मजा लीजिए उतना कम है, इसलिए प्रकृति सुंदरता के बीच में आइए, फुल एंजॉय कीजिए, बहुत मजा आएगा। दोस्तों आप लोग भी आइए, आके इस जगह पे विजिट कीजिए, काफी खतरनाक मस्त वाला जगह है। दिन भर सुबह से शाम हो जाएगा, आप लोग को पता ही नहीं चलेगा कब सुबह से शाम हो गया, इसलिए आप लोग आइए और आके पूरा एंजॉय कीजिए इस जगह में। और दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर बहुत से बहुत कीजिएगा, क्योंकि इस तरह की जगह को खोजना और उस जगह तक आना काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है दोस्तों, और इस तरह के वीडियो शूट करना, इसलिए आप लोग आइए इस जगह में। बाकी हम लोग को सपोर्ट प्यार बना कर रखिए अपना, और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं किस तरह से नज़ारा है, काफ़ी मस्त, इसके बारे में जितना भी जिक्र करें कम ही होगा। तो दोस्तों देख सकते हैं पूरा भीग चुके हैं हम लोग। और
तो फाइनली गाइस आप लोग देख सकते हैं फॉल का नजारा, जो कि आप लोग देख सकते हैं वीडियो में कितना मस्त लग रहा है। और आज का इस वीडियो को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं दोस्तों। बाकी अभी हम लोग पूरा फुल एंजॉय करने बचा हुआ है अभी, तो बाकी उस चीज को मैं आप लोग वीडियो में दिखाने की कोशिश करूंगा। और जो भी है कि इस वीडियो को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। बाकी आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और भाई को सपोर्ट कीजिए, ताकि और इसी तरह का जो भी प्रकृति के गोद में बसा जगह है या फिर नया नया जगह है, उन सब चीज को मैं आप लोगों तक पहुंचा सकूं। उसके लिए आप लोग बस अपना सपोर्ट प्यार बनाए रखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाकी दोस्तों इस वीडियो हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो वही वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और साथ ही साथ चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।